आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ, चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या, चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या, क्या हम सोचेंगे नहीं, क्या हम पूछेंगे नहीं कि इस सरकार की नीयत क्या है? एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में, आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे ना बढ़ पाए। इनके महल बनते जाए बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहे, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने, अब कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा, हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए, एक दिन में, और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं, उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं, 8000 करोड़ रुपए का एक, 16000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूमते हैं। 20000 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया किस में, संसद को नया बनाने में, उसके सुंदरीकरण में। जो संसद पहले था वो 70 सालों से अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है, उसकी कुछ मरम्मत करानी थी, करा देते। 20000 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं सुंदरीकरण करने में, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि किसानों का बकाया नहीं दे सकते, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो ये परिस्थितियां हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी हैं के हैं, हम तो भाजपा की आलोचना करेंगे ही, चुनाव है हमें तो कहना है, तो ठीक है, हमारी बातों पे मत जाइए, लेकिन अपनी जागरूकता तो बढ़ाइए। आप खुद देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या आपके जीवन में इन पिछले 5-6 सालों में तरक्की आई है कि नहीं, इस सवाल का जवाब दे दो मुझे, आई है कि नहीं। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, और जोर से बोलो, नहीं आई है, पिछले 5 सालों में नहीं आई है। क्या इससे पहले जो 5 सालों से इनकी सरकार थी उसमें आई थी? नहीं आई। और उससे पहले? नहीं आई। 18 सालों से इनकी सरकार है, बीच में 15 महीनों के लिए आपने कांग्रेस की सरकार जो चुनी थी उसे भी रिश्वत दे देकर उसे भी गिरा दी इन्होंने। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी? तो आपको दिख नहीं रहा है कि जितनी भी घोषणाएं आपके सामने की जा रही है सब खोखली है, सब खोखली है बहनों और भाइयों, सब अपने में ही खुश है, अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े महल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, वहां रोजगार दिलवा देंगे, हजारों करोड़ के अपने लोन माफ करवा लेंगे, लेकिन आपकी तरक्की नहीं हो रही है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूं आपको, वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी,
जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो।